नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, विधानसभा सत्र चल रहा है और इस दौरान ओपी राजभर खड़े हुए जवाब देने के लिए। विपक्ष की तरफ से सवाल किया गया दोस्तों, और ओपी राजभर जो कि इस वक्त राज्य सरकार में मंत्री हैं और वो अपनी बात रख रहे थे। इस वक्त योगी सरकार में पंचायती राज एवं कल्याण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्री हैं ओपी राजभर से सवाल किया गया और उसके बाद जब वो जवाब देने लगे तो उनकी फजीहत हो गई, लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। इस पर समाजवादी पार्टी के विधायक ने इस पर चुटकी भी ले ली और उसके बाद बीच में विधानसभा अध्यक्ष को बोलना पड़ा। क्या कुछ हुआ सदन के अंदर दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, महबूब अली हैं जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने सवाल पूछा कि मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्यांश बंद होने के बाद कितने मदरसा शिक्षक बेरोजगार हुए हैं, इन्हें कहीं समायोजित करने की योजना है या नहीं। महबूब अली ने शासनादेश की जानकारी भी मांग ली। दोस्तों, बहुत देर तक ओपी राजभर एक एक करके महबूब अली का जवाब देने लगे। इसके बाद शासनादेश के लिए पहले तो खुद ही कहा कि हम विधायक को दे देते हैं, लेकिन विधायक की तरफ से कहा गया कि इसे सदन में पढ़ दिया जाए। इस पर ओपी राजभर शासनादेश को पढ़ने लगे जो कि अंग्रेजी में था। ये जो शासनादेश था वो अंग्रेजी में था। अंग्रेजी में लिखे शासनादेश का भी एक दो लाइन ही ओपी राजभर ने पढ़ी थी कि बार बार अटकने लगे क्योंकि वो इंग्लिश में था और उस पर बार बार उनको दिक्कत होने लगी, अटकने लगे। इस पर सपा विधायकों ने उनकी हंसी उड़ाना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो वहाँ पर लोग बैठे थे, शिवपाल सिंह यादव बैठे थे, उनकी भी हंसी छूट गई। इस पर जो स्पीकर थे, प्रभारी स्पीकर, उन्होंने राजभर से शासनादेश को बिना पढ़े ही महबूब अली को देने के लिए कह दिया। ये पूरा वीडियो दोस्तों हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर विधानसभा के अंदर सत्र के दौरान क्या कुछ हो रहा है। इसके बाद महबूब अली ने, जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि मंत्री जी ये नहीं कह पा रहे हैं कि मुझे पढ़ने में दिक्कत है, इतना बोलने में क्या जा रहा है। इस पर स्पीकर ने राजभर का बचाव किया और कहा कि ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो क्या कुछ हुआ सदन के अंदर दोस्तों, हर एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब लोग ये चर्चा जरूर कर रहे हैं कि ओपी राजभर फंस गए शासनादेश पढ़ने में। सुनिए। ये थे 56 माह से जो 25,000 टीचर्स का वेतन शेष है जी। माननीय मंत्री जी, अगर योजना बंद हो गई तो वेतन शेष नहीं होगा तो इसका उत्तर, कोई योजना बंद कैसे हुई उसकी कोई गाइडलाइन पढ़ के सुना दीजिए। माननीय मंत्री जी उत्तर देते, कोई गाइडलाइन पढ़ के सुना दीजिए, सीधा मेरा कहना है इनसे जी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, जियो मैं आपको दे देता हूं जियो की कॉपी माननीय सदस्य को। ये इट इज हरवेली इन्फॉर्म दैट दी एसपीएम एम वाज अप्रूव्ड टिल दी फाइनल ईयर 2021-22 ओनली ऑल। माननीय मंत्री जी, आप माननीय सदस्य को ये जियो पहुंचा दीजिएगा। माननीय मंत्री, आप जियो पहुंचा दीजिएगा। स्पष्ट ये नहीं कह सकते मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा तो क्या दिक्कत है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सीधा प्रश्न, माननीय महबूब जी, माननीय मंत्री जी आपको जियो पहुंचा देंगे। सीधा, अच्छा ठीक है, दूसरा प्रश्न था।